कैसे हैं आप सभी। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि जब मैं अपना वर्क प्लेस सेट कर लूँगी उसके बाद मैं आप लोगों से एक ब्लॉग वीडियो शेयर करूँगी, जो पूरा प्रॉपर मेरा जो वर्क प्लेस होगा उसे प्रॉपर पूरी तरह से तैयार करके। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सॉरी ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैंने पूरी तरह से जो है अपना वर्क प्लेस जो है क्लीन भी कर लिया और सारे टेक्सचर्स भी बना लिए। मैंने थोड़ा सा वक्त लगेगा सूखने में, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे जो टेक्सचर्स हैं वो मैंने पूरी तरह से सेट कर लिए हैं। और कुछ टेक्सचर्स भी हैं जो मैं बाहर डालती हूँ उन्हें ड्राई करने के लिए, क्योंकि घर में इतनी अच्छे से जो है धूप और हवा आ नहीं पाती है, जिस वजह से ये ड्राई नहीं हो पाते। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करूँ, न्यू वीडियोज़ बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये टेक्सचर जो है सेट कर लिए हैं और कुछ टेक्सचर बाहर रख लिए हैं सुखाने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं अपना वर्क प्लेस हमेशा क्लीन रखती हूँ, हमेशा की तरह ही इस बार भी। तो आप लोग बताइएगा हमारा वर्क प्लेस कैसा लग रहा है। आप लोगों को तो पता ही है मेरा रोस्टेड डर्ट है। और मैंने कुछ न्यू टेक्सचर बनाए हैं, जैसे कि ये है गिटी प्योर सीमेंट, ग्रिटी प्योर सीमेंट, और ये प्योर सीमेंट, और यह है चारकोल एसिस, और ये भी मेरा प्योर सीमेंट का टेक्सचर है, जो कि मेरी प्योर सीमेंट पूरी तरह से ड्राई नहीं हो पाती है। तो मैंने इसलिए दो टेक्सचर बनाए हैं ताकि एक ना ड्राई हो पाए। तो क्योंकि मेरा जो प्योर सीमेंट का टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरा येलो डर्ट का टेक्सचर है, और ये है सैंड एंड सीमेंट, और ये है सैंड एंड सीमेंट ग्रिटी, ये है ब्राउन डर्ट, ये है मेरा प्योर रेड डर्ट। और मुझे प्योर रेड डर्ट मुझे अपनी जो रेड डर्ट है उसके लिए ग्रिटी टेक्सचर बनाना है। आप लोगों को वो भी पसंद था, पहले जो मेरे पास टेक्सचर था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता था, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। और मैं अब न्यू जो है रेड डर्ट, प्योर रेड डर्ट बनाऊँगी, जो ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि हार्ड क्रिमिनल किसी को इतनी पसंद नहीं होती। और मैंने जैसा कि बोला था आप लोगों से कि मैं अपना जो है वर्क प्लेस है पूरी तरह से क्लीन करके और पूरी तरह से प्रॉपर तैयार करके आप लोगों को फिर ब्लॉग वीडियो शेयर करूँगी, तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग वीडियो बनाया है। बाकी अगर आप लोगों को रोज़ मेरे ब्लॉग्स चाहिए या ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से चैनल बना दूँगी। क्योंकि इसी चैनल पे अगर मैं बार बार ब्लॉग्स बनाऊँ या ट्यूटोरियल्स बनाऊँ तो जो है मेरा जो चैनल है उस पर खिचड़ी पक जाती है, और यूट्यूब को समझ में नहीं आता है कि जो मेरे वीडियोस है वो किसको भेजे, ब्लॉग्स को भेजे या इस आर्टिस्ट को भेजे या इस जो पसंद करते हैं उन्हें भेजे, उन्हें पता नहीं चलता है, जिस वजह से खिचड़ी पक जाती है चैनल पर। तो आप लोग को अगर ज़्यादा ब्लॉग्स चाहिए या ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मैं उसके लिए सेकंड चैनल बना लूँगी। बाकी आप लोग जैसे मेरा पहले सपोर्ट करते थे अभी भी करते रहिए, और मैंने अपने काट दिए हैं क्योंकि क्रमलिंग नहीं हो पा रही थी और ना ही टेक्सचर बन पा रहे थे। मेरा जो नेल है ये वाला वो पीछे की साइड मुड़ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे, तो इसलिए मैंने नेल्स अपने जो है काट दिए। बाकी मैं थोड़ा धीरे धीरे करके बनाऊँगी और अच्छे लगते हैं थोड़ा सा देखने में वीडियोज़ में। तो आप लोगों ने मेरे टेक्सचर्स तो देख लिए सारे और वर्क प्लेस भी देख लिया है, मैंने प्रॉपर तैयार कर लिया है। और मैंने हमेशा की तरह अपना वर्क प्लेस क्लीन रखा है, जैसा कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं है कि घर में गंदगी हो, इस वजह से तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है वीडियोज़ बनाने के बाद, सफाई वीडियोज़ बनाने के पहले सफाई। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और आप लोगों को अगर ब्लॉग वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं सेकंड चैनल बना लूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर माय सपोर्ट। बाय बाय।